बरेली के पुराना शहर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पहले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और भगवान हनुमान के स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शोभा यात्रा पंचमुखी हनुमान मंदिर से शुरू होकर मौर्य मंदिर, बालाजीत स्कूल, गुलाबबाड़ी रोड, सैटेलाइट, सतीपुर चौराहा, नवादा, शेखान होते हुए मालियों के मंदिर होते हुए वापस पंचमुखी मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भगवान श्री राम परिवार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं दिल्ली से आए डीजे ने धूम मचा दी। शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने जमकर भगवान के भजनों पर ठुमके लगाए। भगवान श्री राम के जयकारे से आकाश गुंजायमान हो गया और माहौल भक्तिमय हो उठा। इस दौरान निवर्तमान पार्षद छंगामल, अमन मौर्य, राजेश मौर्य और बबलू भैया समेत तमाम भक्तगण मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा चंदनगर धर्मशाला से उठ के पंचमुखी मंदिर, सीताराम मंदिर, दुर्गा मंदिर, मौर्य मंदिर, चौराहे वाली मठिया और ईसाइयों की पुरिया होते हुए सैटेलाइट जाकर तिरंगा होटल सतीपुर, सतीपुर होगा नवादा शेखान बाल जगति वहाँ फिर और तिरंगा होटल त्रिदेव मंदिर फिर वापसी यहाँ पर। कितनी पुरानी ये शोभा यात्रा आज क्यों निकाली जा रही है? ये परंपरा तो बहुत पहले की है हमारे बुजुर्ग लोगों से, मगर 2-4 साल से भारी तौर पर जागरूक हुई, इसलिए 2-4 साल से भारी तौर पर उठाना आज की जनरेशन। इसे कौन सी शोभा यात्रा बोलते हैं? ये रामनवमी के जन्म ये रामनवमी पर्व पर हमारे भगवान श्री राम का आज के दिन रात के 12 बजे वो रात दिन के 12 बजे जन्म हुआ और कृष्ण जी का रात के 12 बजे।